हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारी खान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का आज ट्रस्ट के सेक्रेटरी राजा खान ने पत्र परिषद लेकर खंडन किया है। उन्होंने यूट्यूबर शाकिर रजा खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे की चाहत रखते हुए यह आरोप ट्रस्ट के सदस्यों पर लगाए हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट ने गैर कानूनी तरीके से अपनी अवधि 3 साल से 5 साल की है। इसी के साथ ही आरोप लगा है कि ट्रस्ट पैसे की उगाही करता है और साथ ही पैसे का भी गबन किया है। इन सभी आरोपों का आज पत्र परिषद में खंडन कर आरोप लगाने वाले यूट्यूबर शाकिर रजा खान और मोहम्मद वसीम पर मानहानि का दावा करने की बात कही है। फहमियां फैलाई जा रही है और जो एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के ऊपर में, इसका हम लोग हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से निषेध करते हैं कि झूठे आरोप लगाना और झूठी पब्लिक सिटी लेना ये गलत चीज़ है, जिसमें कि समाज में और श्रद्धालुओं में इसका गैर तरीके से भाव पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने, पूरे कोरम ने शाकिर रजा यूट्यूबर करके एक व्यक्ति है जो बारंबार हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब के कंटिन्यूस वीडियो बना के अपलोड किया जा रहा है और ये ऐसा लगता है कि इनका कोई मंशा जो है कोई लेने देने का है। तो ऐसे लोगों से पूरे समाज को सावधान रहना चाहिए। ट्रस्ट पर लगे आरोपों का ट्रस्ट के सदस्यों ने खंडन किया है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति की बातों में सच्चाई है तो उन्होंने इसे कानूनी तरीके से सामने रखना चाहिए, ये आरोपों के पीछे के तथ्य सामने रखना चाहिए और तभी अपनी बात भी सामने रखनी चाहिए। ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना लेखा जोखा पत्र परिषद के माध्यम से सामने रखा है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंगलवार की रिपोर्ट।